अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको एक लेक्चर मिल पाएगा। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ दिनों से थी, मेरी सलाह ख़राब चल रही है, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैं हाथ थोड़ा एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपकी स्टडी रुके ना, है ना, आप कंटिन्यू करते चलो, बेशक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, पर आगे बढ़ते चले अपन, है ना। तो चैप्टर किसके रिगार्डिंग है, चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यूज। चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टिश्यूज क्या होते हैं। तो सर आप कहोगे कि सर हम इंसान होते हैं। हाँ सर, हम इंसान तो होते ही, हम इंसान ही हैं। सर एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हम इसको ह्यूमन बॉडी की जगह ऑर्गेनिज्म लिखता हूँ, ठीक है। सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये काफी सारी चीजों से मिलके बनता है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ऑर्गेनिज्म एक तरह का स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर? है स्ट्रक्चर, है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म, एक ढांचा है, वो ढांचा कैसे बनता है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर। सर ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, जिनको बॉडी पार्ट्स ही बोलते हैं ऑर्गन्स, हमको रफ लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सोचता हूँ लिखते हैं ना, आप नोट कर रहे होते हैं ना, बॉडी पार्ट। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक बार वीडियो देखो केवल समझने के लिए, दूसरी बार वीडियो देखो नोटिंग करने के लिए। सर नोटिंग जितना मैं ड्रॉ कर लिखवा रहा हूँ वो नोट करो, जितना मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। ठीक है, तो आप दूसरी बार क्या करते हो, लिखने के लिए नोटिंग करने के लिए कर सकते हो। नोटिंग में क्या करोगे, जो मैं चार्ट बनवा रहा हूँ या फिर जो मैं लिख पा रहा हूँ वो लिख लूँ, और जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब आप तो इतने टाइम में आप जान चुके होंगे, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ाता हूँ, तो पूरे पैराग्राफ में किसी मार्क कराता हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है, जो आपको जानी चाहिए, नॉट फॉर एग्जाम पर फॉर रियल लाइफ, है ना। अगर बाद में आके बायोलॉजी लेते हो, आपको इंटरेस्ट आता है, तो आपको लाइफ में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सब पढ़ सकते हो, आप चाहो तो साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मेरी वीडियो छोटी सी है, मेरी वीडियो छोटी सी आ रही है अभी आपके पास, तो आप छोटी वीडियो को दो बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गन किससे बनते हैं, ऑर्गन्स पता नहीं किससे बनते हैं, बस हमें ये पता है सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी बॉडी की, हमारे ऑर्गेनिज्म की, सबसे छोटी यूनिट जो होती है, सबसे छोटी वो सर सेल होती है, हमें ये पता है। लेकिन सेल के बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में ना, ऑर्गन्स के बीच में, सॉरी, इनके बीच में कुछ आता है, यानी वो सेल से मिलकर बनता है, इनके बीच में कुछ आता है, और जो आता है ना चैप्टर उसी के बाद, तो आप गेस कर सकते हो कि बीच में क्या आता है, और आई थिंक आपको याद होगा, ये मैंने ग्राफ बताया और आती है, इसमें कुछ और आती है, मेरे को याद नहीं प्रॉपरली, ठीक है। तो टिश्यूज क्या आते हैं, टिश्यूज, ठीक है। यानी कि सर क्या समझ में आया आपको, आपको समझ आया बॉडी हमारी कैसे बनती है। सर बॉडी हमारी यानी कि एक कोई बॉडी कोई एक चीज़ है, बॉडी हमारी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, बॉडी हमारी क्या है, बहुत सारी चीज़ों का क्या है, स्ट्रक्चर है। सर सबसे छोटी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, सबसे छोटी चीज़ जो होती है लिविंग होती है, तो सबसे छोटी चीज़ होती है, छोटी वस्तु बोल सकते हो, चीज़ बोल सकते हो, कोई भी छोटी चीज़ जिससे हम बनते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज। क्या बनाते हैं, टिश्यूज।
और जो टिश्यू जब मिलते हैं ना, तब ये टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, लंग्स हो गए आपके, किडनीज हो गए आपके, तो ऑर्गन्स कौन बनाता है आपका, ये बनाते हैं टिश्यूज। फिर ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गन से प्रॉपर ऑर्गन सारे रेडी हो गए टिश्यूज से, फिर ऑर्गन्स बॉडी के अलग अलग पार्ट में आ जाते हैं, डेवलप होते हैं नेचुरल प्रोसेस से बेसिकली, ठीक है, उससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उससे क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया किस चैप्टर कहाँ से आया। सर ये हम बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, हमें सेल्स पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है, बायोलॉजी में अगर आगे बढ़ना है, ऑर्गन्स पढ़ने, स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, तो अभी आप केवल सेकंड स्टेज पर हो। अगर आपको पूरी बायोलॉजी समझनी है तो बायोलॉजी में क्या इंसानों के बारे, आपको लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना है, बायोलॉजी इस बायोलॉजी डील्स अबाउट लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी आप सेल्स पढ़ चुके हो, आपको भी टिश्यूज पढ़ाना चाह रहे हैं, तो टिश्यूज का एक बेस मैंने आपका बना दिया, बुक्स को आप पढ़ते हैं और इसे पढ़ लो। हम इस चैप्टर में किसके बारे में, किस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज के बारे में और प्लांट टिश्यूज। आपने कभी नोट किया कि एलिमेंट ऑफ वो एनिमल और प्लांट का सेम देते हैं, ह्यूमंस का सेम, ह्यूमंस का नहीं देते कभी भी किसी के साथ, क्यों, क्योंकि एनिमल प्लांट थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत, सारे नहीं, थोड़े बहुत है ना, थोड़े बहुत है ना, लेकिन इंसान के स्ट्रक्चर टिश्यूज होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो बिल्कुल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तब भी उनको समझा ही नहीं आता। तो यहाँ पर आप ये मैं सोच रहा कि हम इंसान के स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे, किसी एक प्लांट या एनिमल का एग्जांपल अपने मन में लेकर चलना। एनिमल में आप लायन ले सकते हो, रेट ले सकते हो, डॉग ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, प्लांट में कोई सारे प्लांट ले सकते हो, मनी प्लांट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, मैंगो ट्री ले सकते हो, कोई भी ट्री ले सकते हो, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल लेकर चलना, एग्जाम्पल लेकर चलोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। यानी कि इस बार हम टिश्यूज करने पड़ेंगे, टिश्यूज होते हैं लिविंग बींग्स के, तो लिविंग बींग्स में कौन से लिविंग बींग्स पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल्स के बारे में, ठीक है। पढ़ते हैं, अ सिंगल सेल वर्किंग ऑन इट्स ओन वुड अचीव वेरी लिटिल इनसाइड एन एनिमल और प्लांट। वो कह रहा है अगर सिंगल सेल अगर काम करेंगे, ठीक है, तो वो अपने आप जो भी अपने काम का जो रिजल्ट है ना, वो बहुत कम अचीव करता है किसी भी इंसान या प्लांट के अंदर। इंसान एंड एनिमल प्लांट, मतलब किसी इंसान एनिमल और प्लांट के अंदर बहुत कम अपना आउटकम, अपना रिजल्ट अचीव करता है कि बहुत कम, ठीक है, वेरी लिटिल ना, बहुत कम, ना के बराबर। आपको समझा है, वेरी लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल है ना, लिटिल आ लिटिल, वेरी लिटिल, द लिटिल। सो तो क्या होता है, सो मेनली सिमिलर सेल्स लाइंग साइड बाई साइड वर्क टूगेदर एज अ टीम टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, सच ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यूज। अब क्या होता है, सेल्स की लिविंग्स होती हैं, सर लिविंग्स होते हैं तो क्या सर अपने अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं, हाँ, इनके अंदर नेचुरली ऐसा फिट है कि ये चीज़ें सीखती हैं, ये सेल्स ही हैं। आपको लगता है आप सीख रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप पढ़ रहे हो तो आप वो सीख रहे हो, पर नहीं, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जा रही हैं, आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं ना, जो आपके ईयर्स से और आपकी आईज से कनेक्टेड है, तो वो सेल्स के अंदर डेटा जा रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी नॉलेज जा रही है ना आपके ब्रेन के अंदर, कहाँ पर जा रही है, ब्रेन के अंदर सेल्स है ना, वहाँ पे सेल्स के अंदर जा रही है, आपके देने के दिमाग के अंदर खाली जगह है, वहाँ पर फिट हो गई है, जो सेल्स है सेल्स के अंदर स्पेस होता है, और जब मिलियंस और बिलियंस में होती है, तो हर सेल्स के अंदर क्या होता है, एक आपको प्रैक्टिकल लाइफ बताऊँ, शायद आपको पता होगा, पता नहीं, पता ही नहीं पता, अगर आप मुझसे सिक्स सेवन्थ तक पढ़े होते तो आपको पता होता कि हम पता है भूलते क्यों हैं, हम कोई से भूल के जाते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं ना सेल्स, इनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, लाइफ स्पेन मतलब क्या, ये रोज डिस्ट्रॉय होती हैं, रोज नहीं बनती हैं, रोज डिस्ट्रॉय होती हैं, रोज बनती हैं। तो जिस सेल्स में आपका कुछ याद किया हुआ स्टोर है, वो सेल्स ऐसे खत्म हो जाएंगी, वो सेल्स ऐसे खत्म हो जाएंगी, तो आप उसे भूल जाओगे, आपके दिमाग के पास वो स्टोर है नहीं, क्योंकि स्टोर वो किसके पास था, सेल के पास, और वो सेल तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो सेल के नतीजे में स्टोर किया हुआ डेटा था वो सारा डेटा चला गया, तब भूल गए। इसलिए बोलते हैं डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, डेली या फ्रिक्वेंटली रिवाइज क्या करो, कि जो आपने पहले पढ़ा था, पहले जो सेल्स में गया था डेटा, अब वो तो एरेज हो गया, तो नई सेल्स को अपडेट करोगे नहीं करोगे, नई सेल्स को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, तो उनको देते रहो देते रहो देते रहो, तब वो आपके सेल्स में रहती है, इसलिए वो आपको याद रहता है। और जितना ज़्यादा आप सेल्स पर फोकस करोगे, उतनी ही ज़्यादा सेल्स स्ट्रांग होगी और उसका लाइफ स्पेन थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। खैर ये हमारा सिलेबस का पार्ट आई थिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैंने आपको बताया अदर से। तो कह रहा है, हमने पढ़ा कि अगर कोई भी चीज़ अकेले काम करे तो आपको पता है कि अगर कोई अकेला काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छा आउटकम नहीं ला सकता। तो सेल्स लिविंग होती है, इनके अंदर कुछ ऐसी फंजिबिलिटी है, एक एबिलिटी है इनके अंदर कि ये खुद से थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जो एक साथ होती हैं, कुछ सेल्स एक जगह पर साथ होती है और वो एक साथ हो जाती हैं, ग्रुप में हो जाती हैं, और वो सारी मिलकर ना फिर वो काम करती हैं, वो सारी मिलकर फिर वो एक ही काम करती हैं, सेम फंक्शन करती हैं।
वो सारे मिलकर, वो क्या कहते हैं, सारी सिमिलर सिमिलर सेल्स जो होती है ना, वो सेम फंक्शन करती हैं, वो सारे मिल जाते हैं, मिल जाते हैं तो उसको मैं क्या बोलते बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग सेम फंक्शन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग सेम फंक्शन। ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है, ऐसे सेल्स को क्या बोला, ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यूज बोला जाता है। ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है, टिश्यूज बोला जा सकता है। तो थोड़ा नोट्स राइटिंग की प्रैक्टिस वो बता, थोड़ा सा मैं आपको नोट्स राइटिंग बताऊँ तो सिंपल सा लिख सकते हो, सिंपल सा। टिश्यूज मतलब टिश्यू के अंदर दो वर्ड है, टिश्यूज के अंदर दो वर्ड्स हैं। आपने टिश्यूज लिखा, यहाँ पे लिखा सिमिलर सेल्स प्लस सेम फंक्शन, यानी जो सिमिलर सेल्स हों और जो सेम फंक्शन करते हैं, ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, ऐसे उनके ग्रुप को। बस हो गया लिखने का, पूरी डेफिनेशन लिखनी नहीं है आपको, अपने नोट्स इतने बल्कि बनाने नहीं है। नोट्स इतने ज़्यादा बनाओगे ना मेंटली, हमें लगता है साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने को है। थोड़ा सोर्स शॉर्ट नोट्स बनाओ, इनको बोलते हैं माइक्रो नोट्स, अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो तो। और समझ जाओगे अगर डेली रिविजन करोगे, डेली नहीं तो वीक में 2-3 टाइम्स अगर करोगे, फिर दो बार भी करते हो तो भी समझ में आ जाता है ये, ठीक है। वी विल डिस्क्राइब हेयर ओनली द मोर कॉमन प्लांट एंड एनिमल्स। क्या सर सबके बारे में बताएंगे ना, सबके बारे में बता भी नहीं सकते क्योंकि सब बिल्कुल सेम भी नहीं होते ना। सर सेम क्यों नहीं होते, उन्होंने बातें कर दी कि आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर उस सेल्स ना वो ही सेम नहीं होते, तो बाहर के लोग कैसे सेम हो जाएंगे, बाहर के ऑर्गेनिज्म कैसे सेम हो जाएंगे। वो सेल्स भी कैसे लिखे हुए हैं, सिमिलर लिखे हुए हैं, सेम नहीं लिखे हुए हैं। वो सेल्स भी थोड़े डिफरेंट हैं, बस काम सेम कर रहे हैं, पर वो सेल्स खुद में अलग हैं। तो सेल्स ही हमारे अंदर अलग है, तो सभी के अलग अलग होंगे तो सब सेम कैसे हो सकते हैं। तो वो कह रहा है जो कॉमन होंगे ना, कॉमन प्लांट्स जो, और जो कॉमन एनिमल टिश्यूज होंगे, हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे केवल यहाँ पर। और पॉसिबल भी, वो क्या कहते हैं, ये पॉसिबल है वो सारी का प्राइवेट सेक्टर चैप्टर, कितना चला है, कितनी स्पीसीज हैं पता है, कितने एनिमल्स हैं दुनिया में, सभी के बारे में पढ़ेंगे तो हो गया काम हमारा। यही चैप्टर पढ़ते रहेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो गया, हो गया। अब टिश्यूज बता रहे हैं, टिश्यूज का क्या, देखो उन्होंने कितने अच्छे तरह से डिफाइन किया है, टीम्स ऑफ वर्कर्स, ऐसे लोगों की टीम जो काम करते हैं, ऐसे लोगों की टीम जो काम करते हैं। सर ऐसे लोगों की टीम जो काम करते हैं, क्या लिखा हुआ, अरे वर्कर मतलब क्या हुआ, काम करने वाले लोग ही तो हुए, तो मैं थोड़ा अलग अलग कर दिया, टीम ऑफ पीपल डूइंग वर्क या टीम ऑफ वर्कर्स बोल लो, बात ही किया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोगों की टीम को क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। और आई थिंक समझ में भी अगर नाम ये नाम कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है। टिश्यू के ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब क्या, सर टिश्यू जिनका ग्रुप का है तो सेल्स तो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन जो सेम काम है ना, ये कोई एक स्पेसिफिक काम ही होगा ना, या तो ये वो सेल्स है, वो सेल्स है ये आपके लंग्स के रिगार्डिंग काम करते होंगे, या किडनीज के रिगार्डिंग, किसी स्पेसिफिक के रिगार्डिंग काम कर रहे होंगे ना, तो कह रहा है एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पर जैसा टिश्यू सिस्टम, वो कह रहे हैं मोस्ट प्लांट्स, सर कुछ ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शन सर, ऑलवेज एक्सेप्शन सर ऑलवेज देयर, वो कह रहे हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनमें टिश्यू सिस्टम होता है, उनमें टिश्यू सिस्टम होता है। ह्यूमन बॉडी द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन बॉडी हैज एन एपिथेलियस टिश्यू, क्या होता है शायद पढ़ेंगे इसमें आएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो हमारी स्किन को बनाते हैं, ऐसे टिश्यू हमारी स्किन फॉर्म करते हैं, ऐसे टिश्यूज जो हमारी स्किन फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। और मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज वो होते हैं जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो सारे मेड अप ऑफ क्या है, मसल सेल्स, सारे मसल सेल्स से बने हुए हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ब्रिंग ऑन द मूवमेंट, जो मूवमेंट कराते हैं, यानी बेसिकली मस्कुलर को डिफाइन कर रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यूज वो होते हैं तो क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। और ये सारे जो बनते हैं ना, ये मस्कुलर टिश्यूज, ये सारे टिश्यूज ही हैं, ठीक है। अरे मस्कुलर टिश्यूज बनता कैसा है, मसल सेल्स से, सारे मसल सेल्स मिलकर उन्होंने एक मस्कुलर टिश्यूज बना लिया। इन अ प्लांट दो सेकंड रुकना बेटा, दो सेकंड,
इन अ प्लांट द कंडक्टिंग टिश्यू, सर कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ये वाटर को मूवमेंट मूव कराता है प्लांट के अंदर होता है, वो क्या होता है कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो क्या करता है कंडक्ट करता है वाटर को फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट्स, जो सॉइल से प्लांट के ऊपर के पार्ट्स तक, प्लांट के ऊपर के पार्ट्स तक वाटर लेके जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। यानी बहुत सारे सेल्स यहाँ पर मिले हुए हैं तो वाटर को ऊपर लेने का काम करते हैं। एंड फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द लोअर, और जो ऊपर जाते हैं ऊपर से खाना लेकर आते हैं, नीचे नीचे से उनको डिवाइड करते रहते हैं, तो कंडक्टिंग टिश्यू भी होता है। यानी देखो ये सारे सिस्टम है, ये बेसिकली क्या कह रहा है, एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, टिश्यू एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है, लिखा हुआ ना सिस्टम, एक ये सिस्टम काम करता है, बहुत सारे ग्रुप मिलकर एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। हाँ देखो मैंने बोलता ना मैं कुछ मिस कर सकता हूँ, तो मैंने ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम कर हटा दिया, बेसिकल जो मैंने स्ट्रक्चर था ना, स्ट्रक्चर वहाँ पे अपने चार्ट में, तो स्ट्रक्चर को ऑब्लिक करके लिख लेना ऑर्गन सिस्टम, और नीचे लिखा था ऑर्गन, वहाँ पर तो ऑर्गन सही देना, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, वो कहते हैं रिलेशनशिप समझ ज़्यादा, तो कह रहे हैं सेलुलर टिश्यूज टुगेदर कंट्रीब्यूट टू सम स्पेसिफिक फंक्शन इन सम ऑर्गेनेल, कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनेल, वो कह रहे हैं सारे टिश्यूज मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, सर हो सकता है कोई टंग हो जिसकी एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात कर लो, नर्व सेल्स के बारे में बात कर लो, मैदे ऑर्गन से जो ऑर्गन क्या करते हैं, फिर सारे ऑर्गन्स टुगेदर मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन्स टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, है ना। फिर ऑर्गन सिस्टम बन के क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जैसे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो ऑर्गन सिस्टम है प्लांट के अंदर के, तो ये दोनों रूट सिस्टम और शूट सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लांट बनाते हैं, वो प्लांट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज, अभी तो प्लांट की बारे में बात चली, एनिमल्स के बारे में बात नहीं चली, ठीक है, ध्यान रखना। प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली दो प्लांट टिश्यूज बेसिकली दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट, मेरिस्मेटिक परमानेंट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेरिस्मेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, नए नए बनते जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, नए नए बनते जाते हैं, सर नए नए कहाँ से बनते हैं, उन्हीं वैसे बनते हैं, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे और अपने अंदर से निकाल देंगे, तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज, यहाँ पे सेल्स बढ़ते जाते हैं, ऐसे टिश्यूज जिनके सेल्स बढ़ते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज ऐसे यानी जो मल्टीपल नहीं होते, जो कि इंक्रीज नहीं होते, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो दो तरह के टिश्यूज होते हैं जो हमेशा रहते हैं, और ऐसे टिश्यू होते हैं जो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, लिखा हुआ है मेरिस्मेटिक टिश्यूज मतलब क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यूज सेल्स दैट कैन मल्टीप्लाई, या फिर सिंपल सा फिर सिंपल सा कह सकते हो, ऐसे सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नए सेल्स को, क्या करते हैं नए सेल्स को प्रोड्यूस, जी के मतलब जनरल नॉलेज, जी के मतलब जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज से आपको एग्जांपल दे रहा है, मेरिस्टोस एक तरह का सेल है, एक टिश्यू है, एक तरह का टिश्यू है जिसके सेल्स को होते हैं डिवाइड होते रहते हैं प्लांट के अंदर, है ना। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं, नॉन प्रोड्यूसिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, ये जिस काम के लिए वही करते हैं, नए नए बनते नहीं है, ठीक है। सेल्स अदाओ मेटी के बारे में ज़रा डिटेल में, मेटी के बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम, ठीक है। टिश्यूज कहाँ पर होते हैं, ये टिश्यूज कहाँ पर होते हैं इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने प्लांट्स में ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, सर ऑब्वियस, सर ऐसा क्यों, सर ये इसमें लिखा हुआ है, कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो सारे ग्रोइंग पॉइंट पर, बॉडी पार्ट ग्रो करेगा ना, उस टिश्यू मिलेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलेंगे,
पर ये गलत है, इसको इस तरह से बड़ा से पर लिखा इस तरह से बेसिकली ग्रो ही वो सिस्टम करेगा जहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे। टिश्यूज का मतलब क्या ग्रो, टिश्यूज का मतलब क्या ग्रो होना, प्रोड्यूस होना। तो जहाँ पर नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे वही जगह लिखा हुआ है, तो भी बात उल्टा लिखा हुआ है, तो भी बात उल्टा लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं। तो आप लॉजिक समझ गए कि ग्रोइंग पॉइंट पर क्यों पाया जाता है, क्योंकि जगह ही वो ग्रो तब करेगी जब वहाँ पर ये पॉइंट हो वाले टिश्यूज हो, जहाँ पर ये पॉइंट्स हो वो तो जगह ग्रो करेगी जहाँ पर टिश्यूज हो, ठीक है। तो मीनिंग आप समझ गए कि ग्रोइंग पॉइंट क्यों है ना, सर मीनिंग क्यों समझा रहे हो, याद रखने में ईजी रहता है ना इसलिए, और आपको पता भी होना चाहिए कोई आपसे पूछ ले तो। कहाँ मिलते हैं ये रूट्स के टिप, रूट्स के टिप, रूट्स के टिप्स पर उनके स्टेम्स पर, यहाँ से उनकी हाँ स्टेम्स पर, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, स्टेम से ब्रांचेस ग्रो होती है, ब्रांचेस से लीव्स ग्रो होती है, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ ट्रीज वेयर इट लीड्स टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम होती है। वुड, वुड की भी एक, वुड की भी एक स्किन होती है जिसको हम बार्क बोलते हैं, तो उनके बीच में भी होती है, तभी उस, तभी तो पेड़ की क्या ट्री की वो थिकनेस बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं कहाँ पर प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड वेर इट लीड्स टू ग्रोथ इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम, क्या होती है वो जो ट्री, क्या होती है वो जो ट्री स्टेम होती है वो ग्रो होती रहती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आगे देखें जरा, क्या समझा रहे पता नहीं इन्होंने कौन सा प्लांट दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एक मेरिस्मेटिक मेरिस्टम है यानी एक टिश्यू है ये बेसिकली, इस टिश्यू से यहाँ से लीफ ग्रो होती हैं, ये एक्जिलरी बड्स हैं, यहाँ से बड्स निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। सेल्स कुछ ऐसे छोटे छोटे होते हैं, न्यूक्लियस कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं बहुत समझा रहे हैं, ये कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, कीड़े जैसे दिखाई नहीं दे रहे, बाद में समझेंगे इसको। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक फीचर्स भी लिख लो, उसका फीचर्स भी लिख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन भी लिख सकते हो। आप कैसे किसी टिश्यू को आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेरिस्मेटिक है, नॉन मेरिस्मेटिक नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि काफ़ी सारे स्मॉल होते हैं, क्यूबिकल शेप में होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। इनका तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर क्या होता है अभी सब समझेंगे, ठीक है। तो इनके, ये इनके क्या फीचर्स हैं, इनके सेल्स क्या होंगे, छोटे होंगे, ये क्यूबिकल शेप में होंगे, दिखाई भी दे रहे होंगे आपको, यहाँ पे क्यूबिकल सेल्स शेप में दिखाई दे रहे हैं, वॉल थिन वाले वाले न्यूक्लियस काफ़ी लार्ज होते हैं, देखो एज कम्पेयर टू सेल्स, देखो ये सेल्स, ठीक है, ये कॉर्नर में, कॉर्नर में क्या है सेल्स हैं, कितने लार्ज हैं, कितना लार्ज है, कितना बड़ा है सेल्स है, सब बिंदी से सेल्स है, ये कितना बड़ा है न्यूक्लियस, तो ये काफ़ी लार्ज होते हैं, जिसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बार रीड करो, दो मिनट रीड मतलब क्या रिवाइज करो थोड़ा सा पीछे का वीडियो, और भी हाँ और भी हैं, वैक्यूल्स उनके अंदर होते नहीं सर, वैक्यूल्स के अंदर होते नहीं है, एनिमल टिश्यूज जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, एनिमल टिश्यूज के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं बट नेग्लिजिबल, जैसे लिखा ऑलमोस्ट एबसेंट, होते हैं बट ना के बराबर, जिसका ध्यान भी ना रखो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते नहीं, बहुत क्लोज होते हैं, पता नहीं आपके, और पता नहीं आपके पता नहीं पता, पर मैंने वीडियो बनाई है कि टाइटली क्लोज सेल्स होते हैं, टाइटली क्लोज एटम्स होते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरमोलिकुलर स्पेस पर या किसी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, तो सारी वीडियो बनी हुई है, आप दीवान से पूछ के आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, बस हेल्प करेगा। आपको नहीं पता ये लॉजिक है कि सेल्स टाइटली पैक्ड है ना, नहीं है उनके, इसलिए उनके बीच में नहीं है उनके, इसलिए उनके बीच में क्या है कोई स्पेस नहीं है, ये लॉजिक है, ये याद नहीं कर रहा। दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर हो जब उसको टाइटली पैक कर दोगे तो उनके बीच में, उसके बीच में स्पेस रहेगी कैसे, रहेगा ही नहीं ना, तो वो लॉजिक है सर, डिटेल में समझाओगे आप, वीडियो बनी हुई है 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो है, आप देख लेना उसको, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है वो।
द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू प्लांट। तो बस ये देखो ये क्या करते हैं, न्यू न्यू सेल्स से बनाते हैं, न्यू न्यू सेल्स क्या करते हैं बनाते हैं, डिवाइड मतलब वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें से पुराना वाला पार्ट खत्म हो, एक पार्ट खत्म हो जाएगा और जो नए पार्ट्स होंगे वो काम करने लगेंगे अपना। न्यू सेल्स प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर परमानेंट सेल्स। और जो न्यू सेल्स बनते हैं तो सारे नहीं बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ न्यू सेल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैच्योर होने पर परमानेंट सेल्स पर, जो बहुत जो बिल्कुल बड़े होने पर क्या हो जाते हैं परमानेंट सेल्स में ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिशू कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू टू कैटेगरीज। अब अगर टिशूज के दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो टिशू को, पहला एपिकल टू मेरिस्टम या फिर टर्मिनल मेरिस्टम या फिर कैम्बियम मेरिस्टम। थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको क्या होता है एपिकल टर्मिनल मेरिस्टम, दिस लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स। सर ये वो वाले होते हैं जो रूट्स के टिप्स पर होते हैं, ठीक है एंड स्टेम्स, तो कहाँ पर स्टेम्स पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं ये नियर द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स है ना, और कहाँ पर होते हैं जो नई नई लीव्स ग्रो हो रही है ना उनके पास जो स्टेम है उसके पास भी उसके टिप पर भी होते हैं। एज वेल एज ऑन द टिप्स ऑफ एक्सिलरी बड्स, जब भी हमने ऊपर एक एक्सिलरी बड देखा था कुछ वहाँ पर भी ये होते हैं एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टम। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ आपको इस सारे बड़ वगैरह कैसे याद रखोगे, बड क्या होते हैं, बड़ एक होल होते हैं जहाँ से किसी ऑर्गेनिज्म जो गंदगी होती है वेस्ट होता है वो निकलता है, तो वेस्ट को निकलने की जगह टर्मिनल, क्योंकि हम क्या बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल मतलब कि एक रास्ता ना, एक सुरंग वगैरह भी आप कह सकते हो, ठीक है सीक्रेट प्लेस। तो इसको टर्मिनल का भी क्यों बोला जाता है, इसको टर्मिनल भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली जो चीज़ों को निकलने के लिए जगह देते हैं, ठीक है। लेटरल कैम्बियम मेरिस्टम क्या है, दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क, जो बार्क के नीचे होता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ दिस टिश्यू। गर्थ क्या है, न्यू वर्ड है, और यहाँ पर सिंपल मीनिंग लिखा थिकनेस। क्या होता है ये, ब्लो दी बार्क होता है, ठीक है ब्लो दी बार्क होता है, इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका काम क्या होता है बेसिकली थिकनेस बढ़ाना, किसकी स्टेम की थिकनेस बढ़ाना, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। सो परमानेंट टिश्यूज वो हैं जिनके पास एबिलिटी है ही नहीं, फर्ट नहीं है फर्दर न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने की, तो ऐसा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो परमानेंट टिश्यूज मतलब क्या है, परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं नेक्स्ट सेल्स प्रोड्यूस करने का, बस सकते एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, जो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं यानी जो फर्दर डिवाइड ना हो, जो फर्दर न्यू सेल्स प्रोड्यूस ना करें, उनको क्या बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। तो टेक अ परमानेंट शेप, सर ये एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, ये एक परमानेंट ले लेते हैं शेप ले लेते हैं बड़े होने पर, है ना। फिर क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं कुछ परमानेंट फंक्शन, जो कुछ परमानेंट यानी वो एक ही काम करेंगे हमेशा के लिए,
दे मे बी लिविंग, ये लिविंग भी हो सकते हैं, हैं यानी मर भी गए ना तब भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, मर कैसे आते हैं, मरने का तो खत्म हो जाता है ना। नहीं नहीं समझो, डेड होने का और ख़त्म होने का दोनों में डिफरेंस होता है। शायद आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, जब इंसान के अंदर से लाइफ चली जाती है, लाइफ चली जाती है तो इंसान की डेड बॉडी बचती है, तो वो कह रहा है चाहिए इनकी पर चाहिए इनकी पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ये हमारी बॉडी में बने रहेंगे पर ये डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है सर, ऐसा कब होगा? वो अगर लिविंग था उस जगह पर होंगे जहाँ पर थोड़ा बहुत न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा वहाँ पर ही डेड होंगे। पढ़ेंगे अगर आए तो, आगे हम पढ़ेंगे अगर आए तो, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है, प्रोटिज्मा कुछ ऐसा बोलते हैं, वो होता है, तो वो इन सेल्स का खाना होता है। अगर वो खाना होगा हमारे पास तो हम लिविंग लॉन्ग टाइम तक लाइव रहेंगे तो डेड हो जाएंगे, तो वही है रीज़न इसका। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पर आज तुम्हें समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। अगर डिस्ट्रॉय होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता था, एंड में सोच रहा था ये आए ये आए ये आए तब मैं आपको बताऊँ। ये तीन टाइप के होते हैं, यानी तीन टाइप के होते नहीं, ये तीन तरह के काम कर को काम, तो उनको काम के बीच पर डिवाइड किया गया तीन कैटेगरी में। प्रोटेक्टिव, ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, आपकी बॉडी वेट वगैरह का फ्लूड वगैरह का कंडक्शन करते हैं। मैं इसको भी ओरली समझा रहा हूँ, है ना, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मैं ओरली समझा रहा हूँ, डिटेल में बाद में समझाऊंगा, तो एक ही वीडियो में कवर हो, तो एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, और अभी मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि आपको ब्लू बॉक्स बुक में लिखा नहीं होगा, मेरे को पक्का पता है कि डिस्ट्रॉय होने भी नहीं चाहिए। बेसिकली इनका काम करता है ये प्रोटेक्टिव, ये क्या होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ये हमारी बॉडी को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो बॉडी बनी है, हमारी बॉडी पर जो स्किन है, ये क्या करती है, ये हमें सबसे प्रोडक्ट एटमोसफेयर में जो वायरस होते हैं तो हमें उससे प्रोडक्ट, सपोज करिए स्किन नहीं होती तो सब बाहर से जो हम ऑक्सीजन जो हीट मिल रही है वो सीधा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में टच होती, उसको टच करती है, जैसे हीट हुई वो हीट हमारी उसको सन एनर्जी, जो हीट एनर्जी है सन से मिलती है, वो हमारे लंग्स को टच करेगी, सीधा हमें लंग्स आते वायरस सीधा हमें लंग्स में जाएंगे, सर सीधा लंग्स में जाएंगे, अब तो सीधा कोविड हो सीधा डायरेक्ट एक ही बात है, हम प्रोटेक्ट करते हैं। और सोचो अगर ये सेल्स होते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं अगर से मर जाएं तो आपकी स्किन एकदम से ख़राब नहीं हो जाएगी, पर आप देखते हो सर कभी कभी स्किन सर हमारी ख़राब होती है क्या, कभी जल जाती है, हाँ तो वो जल जाती है, कभी कभी वहाँ पे स्कार्स पड़ जाते हैं, कभी स्किन हट जाती है, बेटा वो हटती नहीं है, वो उसकी लेयर हल्की हो जाती है, और लेयर हल्की क्यों जाती है, वो डेड हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं वो खत्म नहीं होता है, वो खत्म होगा ना तो वो बिल्कुल ही हट जाएगा, बिल्कुल ही आपका ऑर्गन भाग, ठीक है तो क्या होते हैं बेसिकली वो डेड हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं उनकी, वो डेड उनकी वो डेड जो लेयर है ना वो फिर भी रहती है आपके हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर हमारे हाथ पर क्या होता है, जब हमें चोट लगती तो धीरे धीरे हमारे काले काले वो आते हैं, स्किन आती है ब्लैक है ना, डेवलप होती है और डेवलप होती है तो वो क्या होता है, वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर नए मेरिस्मेटिक बनते हैं, फिर वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं बाद में मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होकर फिर से दोबारा क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, और फिर से ये वाला काम करने लगते हैं, ये सीरीज है। सपोर्टिव टिश्यूज, आपका हाथ कहाँ पर है, आपके पैर कहाँ पर है, इन सबको ज्वाइंट करने सबको सपोर्ट करना, आपकी आइज कहाँ पर है, इन सबको सपोर्ट करने काम कौन करता है, सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोज करो किसी सपोर्टिंग सेल्स ना सारे डिस्ट्रॉय हो जाएं, आपका हाथ कहाँ जाएगा, दिखाई नहीं देगा, लेग्स कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये तो डिस्ट्रॉय होने भी नहीं चाहिए। तो नेचुरली हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। कंडक्टिंग वगैरह को हमारे वाटर वगैरह को आप पीते हैं तो उसको बॉडी का पूरे पास में ले जाना, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक सौंपनी देती है, सौंपनी तक ले जाना, खाने को और एनर्जी मिला करो, उसको एनर्जी मिले उससे ताकि वो अलाइव रहें। तो सब टिश्यूज होते हैं कंडक्टिव टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज करते हैं। ठीक है, एक मैंने बताया कि आपको रफ मतलब एक ओवर ओवर एक बस मैंने आपको बेच दिया कि बस कि हम कल क्या क्या पढ़ेंगे,
डिटेल में पढ़ेंगे कल तो हम, पर बेसिकली मेन कैंप होता है उनका ऊपर ऊपर से, वो मैंने आपको समझा दिया ठीक है। आज का ओवर करते हैं, देखते हैं आज के बेस पर कोई होमवर्क है या नहीं। ये वाले लिखो, थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला पढ़ो, सात के साथ करते चलो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। क्वेश्चन टू कर सकते हो, इसका एक कर सकते हो, तीनों कर सकते हो, इसका तीनों कर सकते हो। मदर क्या होता है, डायकॉट मदर क्या होता है, वो डायमीटर अलग अलग सुनिंग सबको दे रहा है ये, ठीक है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, केवल वाला ए वाला, ए वाला, बी वाला, डी वाला, ये आपके क्या होमवर्क है ठीक है। आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, अगर आपका होमवर्क छूट गया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना ठीक है। आज हम ओवर करते हैं।